हेलो सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हम लोगों ने मैं डॉक्टर रश्मि सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहावाबा हम लोगों ने एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन पर पहले भी बात की है जिसमें जिस क्रम में हम एन पर बात कर चुके हैं नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसी क्रम में आज एस पर बात कर रहे हैं स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसमें कि हम देखेंगे कि एस सी ई आर टी कब इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मिशन एंड विजन एंड विजन एंड मिशन होना चाहिए था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एस सी आर टी रोल्स ऑफ एस सी आर टी एंड इट्स प्रोग्राम्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट एस सी ई आर टी तो एस सी ई आर टी है क्या जब हमने एन सी ई आर टी पढ़ा था तो हमने क्या जाना था कि एन सी ई आर टी मेनली स्कूल एजुकेशन से डील करती है और नेशनल काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए और उसमें से कौन सा लेवल एजुकेशनल का स्कूल एजुकेशन और कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन क्या टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है या स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा टीचर्स पढ़ाएंगे इसलिए वो इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर्स को ट्रेन करती है ताकि वो बढ़िया से बढ़िया स्कूल्स में पढ़ाएं और स्कूल एजुकेशन बेहतर हो जाए तो मेनली दी डील वो स्कूल एजुकेशन से ही करती है तो लेकिन इतने बड़े देश में एक एन सारे राज्यों में अगर एजुकेशन का स्तर देखे और उनके हिसाब किताब को ठीक करने की दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है इसलिए एन क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसने अपना संबंध बनाया उसने अपना कोऑपरेशन कोलेबोरेशन किया कि कैसे देखभाल की जाएगी स्कूल एजुकेशन के लिए उसके लिए एस बना मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल है ये एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए तो एनसीईआरटी मेंटेन्स आर नेटवर्क ऑफ फील्ड ऑफिसेज टू कीप अ क्लोज लाइजन विद स्टेट गवर्नमेंट एस सी आर टीज वन ऑफ दीज ऑफिस एस सी आर टी ऐसा ही एक ऑफिस है जो कि एन सी आर टी को स्टेट लेवल पे हेल्प करता है और एस सी आर टी के अलावा कौन कौन डायट भी है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर हिस्ट्री की बात करें कि एस सी आर टी कब आया क्या हिसाब किताब है इसका तो ये पाँच जनवरी उन्नीस सौ नयासी को बना है कैसे बना एक फॉर्मर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था मतलब पहले एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था जो कि अपग्रेड होके ट्रांसफॉर्म होके स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग का नाम ले लेता है और अच्छा हमको ये बात ध्यान देनी होगी कि हर राज्य का अपना एस -E है तो राज्य हर राज्य स्टेट वाइज़ ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर बदल जाता है इसका विजन मिशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इसके थोड़े बहुत फंक्शंस चेंज हो जाते हैं ओवरऑल एक जनरल पैटर्न पे काम करता है पर स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफर करता है उस स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक और जितनी भी आपकी एजुकेशनल दशा है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो अगर हम यूपी की बात करें तो एस सी जो यूपी का है वो लखनऊ में है और उसका गठन उन्नीस में हुआ और जो हेड क्वार्टर है का है वो दिल्ली में है और उसका गठन उन्नीस में हुआ है फिर एम्स ऑन ऑब्जेक्टिव क्या है क्या उद्देश्य क्या किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एस का गठन किया गया है टू प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल देन टू डेवलप एंड प्रोड्यूस टीचिंग लर्निंग मटीरियल यानी कि हम बढ़िया से बढ़िया टीचिंग लर्निंग मेटीरियल बनाते हैं एस सी आर टी में एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को प्रमोट करते हैं और हमारा काम क्या है कि एन सी आर टी न्यू पा न्यूपा एनसीआर तो हम जान चुके हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यूपा क्या है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हम में से बहुत लोग आप में से जानते होंगे कि पहले ये नीपा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बाद में न्यूपा हो गया उसको तो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया एंड अदर नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल एजेंसीज इंक्लूडिंग एन जी ओज इन सब के संग कोर्डिनेट करना इसका काम है एंड टू प्रोवाइड एकेडमिक लीडरशिप इन स्कूल एजुकेशन इन स्टेट स्कूल एजुकेशन यानी स्कूल विद्यालयी स्तर पर जो शिक्षा चल रही है राज्य में उसमें एकेडमिक लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है यह एस सी आर टी ओके देन विजन एंड मिशन अगर इसका हम देखें तो टू बी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी इन द स्टेट अच्छा विजन और मिशन है क्या विजन मतलब हमने क्या देखा है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी क्या है कि एस क्या सोचकर बनाया गया तो हमने एक उसके लिए विजन तैयार किया और उस विजन को हम किस प्लान ऑफ एक्शन से अचीव करेंगे वो हमारा मिशन होता है तो क्या है इसमें टू बी ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि राज्यों में जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए एक्सीलेंस प्रोवाइड करना उसका केंद्र बनना और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का केंद्र बिंदु बनना फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस ट्रेनिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स वो जो भावी शिक्षक हैं जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था कराना कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाना किनके लिए जो इन सर्विस में है जो सर्विस में आ गए उनके लिए कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग सेमिनार्स एट्सेट्रा हेल्ड करना इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज इंडक्शन लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द न्यू इंट्रेंस या टीचिंग वर्कफोर्स ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं हमारे टीचर्स उनको इंडक्शन लेवल की ट्रेनिंग देना यानी कि जो शुरुआती लेवल की जो ओरिएंटेशन किया जाता है उनका टीचिंग प्रोफेशन के लिए उसको ऑर्गेनाइज करना टू री स्ट्रक्चर सिलेबस एंड करिकुलम यूज एट द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन सेक्टर टू मेक इट नीड बेस्ड एंड रेलिवेंट बेस्ड एंड फंक्शनल नीड बेस्ड रेलिवेंट एंड फंक्शनल मतलब जो हमारा सिलेबस है जो करिकुलम है जो एलिमेंट्री एजुकेशन पर यूज किया जा रहा है उसको रीस्ट्रक्चर करके नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित बनाना रेलिवेंट बनाना यानी कि अप टू डेट हो फंक्शनल हो कार्यवाहक हो उसके अलावा टू अंडरटेक एड प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड इनोवेशन एक्टिविटीज एवंग फैकल्टी मेंबर्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी मेंबर हैं उनके लिए रिसर्च और इनोवेशन एक्टिविटीज को प्रोमोट करना उसको सहायता प्रदान करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम एस का देखें तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो रन करते हैं प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन का डिपार्टमेंट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए है यानी कि ज़रूरी नहीं हम लोग जानते हैं एजुकेशन को हम तीन तरीके का पढ़ते हैं क्या फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल तो उसमें से फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो है ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे इसके अलावा करिकुलम रिसर्च एंड स्पेशल करिकुलम रीनल प्रोजेक्ट्स साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन टीचर एंड इन सर्विस एजुकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड गाइडेंस रिसर्च कोऑर्डिनेशन आर्ट्स एंड एस्थेटिक एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन के लिए भी काम करता है एंड एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मतलब बहुत बहुत ही मतलब विशद है बहुत वृहद है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ही ब्रॉड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस का है ना बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है अगर हम देखना चाहें इसकी जो स्ट्रक्चर है तो सबसे ऊपर क्या होता है डायरेक्टर एस फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है एकेडमिक विंग एक बन जाती है और एक डायरेक्टरेट एकेडमिक विंग यानी कि जो <coughs> सॉरी शैक्षणिक कार्य देखेगी तो उसमें क्या होते हैं यूनिट्स और ट्रेनिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट तो यूनिट्स में देखिए जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इलाहाबाद में प्रयागराज हो जाना चाहिए इसको अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी और स्टेट हिंदी इंस्टीट्यूट इतना सब प्रयागराज वाराणसी लखनऊ में स्थित है ट्रेनिंग कॉलेज अलाहाबाद आगरा इंस्टीट्यूट आई एस सी इलाहाबाद सी टी लखनऊ डाइट सत्तर डाइट ये एस सी आर टी यू पी का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं और डायरेक्ट्रेट में ज्वाइंट डायरेक्टर होता है फिर डेप्यूटी डायरेक्टर फिर असिस्टेंट डायरेक्टर फिर असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर उसके भी आगे सबऑर्डिनेट गेजेट और लेक्चर या रिसर्च रिसर्चर तो ये भी तो ये इस तरीके का इतना मतलब हाईर है इसकी जो कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बात करें एस सी ई आर टी की तो फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें एस सी आर टी की क्या क्या फंक्शन है इसके तो to organize and implement the special educational projects sponsored by UNICEF, NCERT, and other agencies for qualitative improvement of school education and teacher educators. यानी कि अब आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब हम school education की बात करेंगे तो teacher training institute उससे co-related है यानी कि दोनों से वो अपने आप स्वतः जुड़ जाता है तो हम बहुत सारे educational project जो कि UNICEF से sponsored हैं NCERT से sponsored हैं उनको <coughs> लागू कराना और ऑर्गेनाइज करना इसके अलावा टू प्रिस्क्राइब एंड करिकुल्ड बुक्स फॉर द स्कूल एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोड्यूस इंस्ट्रक्शनल फॉर यूज ऑफ टीचर एजुकेटर्स जो टीचर एजुकेटर्स के लिए हैंडबुक बनाना इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल बनाना इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज इन सर्विस टू अरेंज इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टीचर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स एंड टीचर एजुकेटर्स एंड कोऑर्डिनेट दर्क ऑफ अदर एजेंसी स्टेट लेवल यानी कि पूरा हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि राज्य स्तर पर जितना भी स्कूल एजुकेशन और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टीचर एजुकेटर्स के लिए सब कुछ करने का इन सर्विस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए करिकुलम उनके लिए सिलेबाइस सब कुछ करने का काम एस का ही है हुँ? तो आप इसको स्वतः भी पढ़ सकते हैं जैसे एक्सटेंशन सर्विस का भी इसमें काम आता है एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी जैसा कि मैंने बताया उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है Feel

सोडी एफिलिएटेड बॉडी फॉर एलिमेंट्री टीचिंग टीचर एजुकेशन कोर्स यानी कि ईटीई का जो कोर्स चलता है और ईसीसीई का यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसकी कि कोठारी कमीशन ने बात की थी उसके लिए एससीईआरटी क्या है एफिलिएटिंग बॉडी है यानी कि एससीईआरटी से एफिलिएट होकर ही ये कोर्सेज चलते हैं इनका डिग्री डिप्लोमा यहीं से निकलता है फिर इट स्टडीज द करिकुलम एट प्राइमरी लेवल रिवाइजेज इट एंड्रोड्यूस लर्निंग मटीरियल्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द प्राइमरी लेवल कीपिंग द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन व्यू जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक ये भी टॉपिक पढ़ाया जाता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि न्यूनतम हम आपको उस दशा तक किसी भी क्लास के लिए किसी भी ग्रेड के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तय कर दिया गया है यानी कि इतना तो बच्चे को आना ही आना है इतना तो छात्रों को विद्यार्थी को हमको सिखाई देना है तो उसको ध्यान में रखकर कर ये करिकुलम डिजाइन कर इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एक्सटेंशन सर्विस की बात होगी स्पॉन्सर्ड हमने न्यूपा की की बात कर की बात कर कर ली ली एंड यूनिसेफ जिसका नाम किया ऑफ एजुकेशन हो गया है फिर से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था फिर एमएचआरडी हुआ फिर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया एनसीआरटी एंड फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूनेस्को यूनिसेफ इवन वर्ल्ड बैंक की भी जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं जो स्कूल एजुकेशन के आते हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड में स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ये लोग स्पॉन्सर करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना भी एस का ही काम है इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट

ट करना इंटीमेट करना ऑर्गेनाइज करना इट्स वेरी टफ इसलिए हर राज्य में एस की स्थापना की गई है और ये उन्नीस सौ एनईपी के रिकमेंडेशन से निकल कर आई ये बात ये ऐसा होना चाहिए जब फॉलो अप उसका चल रहा था तब ये सब आपका उन उन 1988 में आपका क्या एस सी आर टी हेड क्वार्टर डेली बन जा रहा है और चूंकि एन सी आर टी तो उन्नीस सौ इकसठ में ही आ गया था तो उन्नीस सौ इकसठ के बाद से इस दिशा में काम होने लगा कि स्टेट लेवल पे हो तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा तो हमारा जो यूपी का है वो तो नाइनटीन एटी वन का ही है हुँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी पता होंगी तो आप बातचीत करने में समझ पाएंगे डाइट इससे जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट <coughs> इंस्टीट्यूट ऑफ तो एजुकेशनल ट्रेनिंग तो ये सब एकेडमिक फील्ड से जुड़े होने पर भी और गैर अकादमिक फील्ड से जुड़े होने पर भी हम लोगों को नॉन एकेडमिक अगर हम हैं इंसान इंडिविजुअल तो भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमको कहीं ना कहीं हम शिक्षा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं एज अ गार्जियन एज अ स्टूडेंट एज ए एम्प्लॉयर एज ए टीचर कोई भी स्टेक होल्डर एजुकेशन के हम हैं तो हमको ये सारी एजेंसीज़ के बारे में पता होना चाहिए और अगर हम एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं तब तो हमें ज़रूर ही पता होना चाहिए hmm. तो आई थिंक कि एक और एजेंसी हमने टीचर एजुकेशन की और स्कूल एजुकेशन की कवर कर ली है जो कि एस सी आर टी है इसी क्रम में न्यूपा वगैरह भी हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू डन